अगर आप लोगों ने इस चैनल पर कुछ भी सीखा है तो आप लोग को एक बात तो मालूम होगी कि मैं एक हैंड्स ऑन पर्सन हूँ। थ्योरी स्लाइड्स या फिर टू मच बुकिश जाना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भरोसा करता हूँ यहाँ पर अगर आप लोग एक एक्चुअल प्रोडक्ट बिल्ड करते हो, उसको डिप्लॉयमेंट तक लेकर जाते हो, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग एक ब्लॉग बनाने वाले हैं नेक्स्ट जो इस कोर्स के पहले प्रोजेक्ट के तौर पर। हम लोग हंटिंग कोडर नाम का एक ब्लॉग बनाएंगे। हंटिंग कोडर के अंदर हम लोग ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करने का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग हंटिंग कोडर को एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसको आप लोग शायद फ्यूचर में लेकर जा सको एज योर पर्सनल ब्लॉग। एक पर्सनल ब्लॉग के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को एक्चुअल में जो नेक्स्ट जेएस आप लोगों को मदद करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जो SSR और SSG नेक्स्ट जेएस के फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, उनको किस तरह से इस ब्लॉग के अंदर डालकर इस ब्लॉग को प्रॉफिटेबल बनाना है। और आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे सर्च कंसोल गूगल का जो प्रोडक्ट है और गूगल एनालिटिक्स, ये सारी चीजें किस तरह से एक ब्लॉग में लगाई जाती हैं ताकि आप लोग एनालाइज कर सको क्या ट्रैफिक आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्या आप लोगों को करने की जरूरत है, क्या कोर वेब वाइटल्स हैं, क्या आप लोगों की पेज स्पीड टू स्लो है, या अगर टू स्लो है तो कौन से पेज की स्पीड टू स्लो है, कैसे उसको इंप्रूव करना है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीखेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं नेक्स्ट जेएस के उसको मैं इस प्रोजेक्ट की सहायता से आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट हेड की बात करें, नेक्स्ट इमेज की बात करें, और भी बहुत सारे नेक्स्ट जेएस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर ब्लॉग की सहायता से बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट पूरा हम बनाएंगे एंड टू एंड, डिप्लॉयमेंट तक इसको लेकर जाएंगे। मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ एक डोमेन को खरीद कर। मैं डोमेन खरीदूंगा ताकि वो फील आए यार कि हम लोग एक्चुअल में कुछ बिल्ड कर रहे हैं, और वो फील लेने के बाद, डोमेन को खरीदने के बाद हम नेक्स्ट जेएस के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉग की सहायता से, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी इस ब्लॉग के अंदर लगेंगे नेक्स्ट जेएस के कॉन्सेप्ट, उनको हम इस ब्लॉग के एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे और सीखेंगे। ऐसा करने से आप लोग नेक्स्ट जेएस तो सीखी जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लेंगे जो कि आपकी प्रोफाइल को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और उसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आप लोगों की नेक्स्ट जेएस स्किल्स को भी मजबूत बनाएगा। इस ब्लॉग का नाम है हंटिंग कोडर। हंटिंग कोडर जो कि स्किल्स के लिए हंट करता है, हंटिंग कोडर जो क्वालिटी वर्क के लिए हंट करता है, हंटिंग कोडर जो कि बग्स के लिए हंट करता है और अपने ब्लॉग में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। इस ब्लॉग को हम लोग बनाएंगे एंड टू एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यार बहुत ही सिंपल सा काम हम लोग करने वाले हैं, हंटिंग कोडर ब्लॉग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक नया फोल्डर बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा प्रोजेक्ट वन। और प्रोजेक्ट वन के साथ साथ एक काम और करता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ ट्यूटोरियल फोर। या मैं एक काम करूँगा, सारा का सारा जो डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट वन के अंदर वो इस फोल्डर के अंदर होगा, और वीडियो का हिसाब तो यार आप लोग लगा ही लेना, मैं हर वीडियो के बाद कमिट कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यार ट्यूटोरियल टू, ट्यूटोरियल थ्री, ट्यूटोरियल फोर, और इसके बाद हंटिंग कोडर डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओपन विथ कोड नहीं अभी के लिए, मैं ओपन पावरशेल विंडो करूँगा, और आप लोगों को समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने यान की सहायता से यहाँ पर बनाया था, एक नेक्स्ट ऐप बनाई थी हमने, अब हम क्या करेंगे, सेम कमांड को रन करेंगे, और सेम कमांड को रन करते हुए हम लोग यान क्रिएट नेक्स्ट ऐप और इसके बाद हंटिंग कोडर, ठीक है, एंटर मारेंगे और यहाँ पर हंटिंग कोडर नाम का ब्लॉग बन रहा है, ठीक है। वैसे अगर आप सिर्फ यान क्रिएट नेक्स्ट ऐप करोगे, यानी कि सिर्फ इतना चलाओगे कमांड, तब क्या होता है, तब वहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, आप लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या आप अपना नाम देना चाहते हो प्रोजेक्ट का, कुछ सवाल वो पूछता रहता है, और हो सकता है आने वाले वर्जन्स में वो आपसे और सवाल पूछे। तो ये देखो यार, यान काफ़ी फास्ट है, हंटिंग कोडर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा CD हंटिंग कोडर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड डॉट। कोड डॉट से क्या होगा, मेरा ये खुल जाएगा, और अगर आप लोगों का कोड डॉट ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि कोड डॉट रन करने के बाद भी नहीं खुल रहा है, तो उसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ क्या हो सकता है, कि आपने VS कोड सही से रन नहीं किया। तो आप लोग जा सकते हो मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में, आई थिंक मैंने एक्सट्रीम जो पहला वाला वीडियो है उसमें आप लोगों को बताया हुआ है किस तरह से करते हैं ये काम, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलो जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अभी हम इस टर्मिनल को बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास है अब VS कोड, हम वहाँ के इंटीग्रेटेड टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जल्दी से उद्घाटन कर लेते हैं इस ब्लॉक का और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यान रन, ठीक है, और यान रन नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बिल्ड है, डेव है, यान डेव, एक मिनट, यान रन डेव, ठीक है। आई थिंक मैं सिर्फ अगर यान डेव भी लिखूँगा,
तब भी काम हो जाता है, हाँ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि शॉर्टकट में हमको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। बाय द वे, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जीएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे और ये हमारी नेक्स्ट जीएस ऐप बन चुकी है। देखो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल्स, डिप्लॉय, लर्न, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले, हमने कर ली ये सब अपनी नेक्स्ट जीएस ऐप के बारे में बात, नेक्स्ट जीएस की बॉयलर प्लेट ऐप के बारे में बात। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग हंटिंग कोडर को बनाने वाले हैं। तो आप लोग को जैसे कि मालूम है कि मैं इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर अगर कोई भी चेंज करूँगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्रिएट नेक्स्ट ऐप की जगह लिखना चाहता हूँ, लेट अस से हंटिंग कोडर, और मैं सेव करता हूँ तो आप देखो सेव करने पर रिलोड हुआ और यहाँ पर हंटिंग कोडर दिखना चाहिए था, क्यों नहीं दिखा यार, रिलोड करके देखता हूँ, रिलोड किया तब भी नहीं दिखा, ये कैसा मजाक है। मैंने अच्छा मैंने टाइटल चेंज किया, सॉरी, हंटिंग कोडर आ गया ऊपर टाइटल, आप लोग देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ पर कॉपी करके हंटिंग कोडर मैंने यहाँ पर लिखा है ना, मैं क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ पर पेजेस स्लैश कहाँ पर लिखा था वो जो बड़ा सा एच वन है, वेलकम टू, हाँ ये रहा वेलकम टू, अरे खो गया ये रहा, ठीक है, तो ये जो एच वन है वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया हंटिंग कोडर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये हंटिंग कोडर हो गया, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अ ब्लॉग फॉर द कोडर्स बाय अ कोडर, ठीक है, अ ब्लॉग फॉर कोडर्स बाय अ कोडर, ठीक है, और फॉर हंटिंग कोडर्स बाय अ हंटिंग कोडर, फॉर हंटिंग कोडर्स बाय अ हंटिंग कोडर, इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दिस। देखो लोग क्या करते हैं, बग्स के लिए हंट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गूगल पे सर्च करते हैं, जाते हैं और वहाँ पर उनको उनकी समस्या का समाधान भी मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने ऑलरेडी वो समस्या का समाधान निकाल लिया है मुश्किल तरीके से, हंटिंग कोडर उसको आसान करता है, ठीक है। मैं काफ़ी बढ़िया मार्केटिंग कर लेता हूँ वैसे, हंटिंग कोडर को अगर मैं एक प्रोडक्ट के तौर पे लेके जाऊँगा तो अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी इसकी, चलो। लेकिन अभी मैं लेकर जाने वाला नहीं हूँ इसको फिलहाल के लिए, तो मैं ये जो डिवाइस को हटाता हूँ और नेक्स्ट जीएस ऐप को बनाने पे फोकस करता हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे अभी के लिए तो ये मैंने हंटिंग कोडर ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर्स बाय हंटिंग कोडर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, बट अगर मान लो मैं यहाँ पर एक डिव लिखता हूँ, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर डिव लिखता हूँ, ठीक है यार, ये एमिट क्यों नहीं चल रही है, उसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी, एमिट क्यों नहीं चल रही है। मान लो मैंने यहाँ पर डिव लिखा और मान लो मैंने इसका क्या किया कि ये जो ओपनिंग टैग है वो मैंने खा लिया, तो ये देख रहे हो आप नीचे, यहाँ देख रहे हो एक एरर आ चुका है। और ये एरर क्यों आया पता है, क्योंकि जो JSX होती है उसके अंदर आप लोग सिर्फ ओपनिंग टैग, सिर्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि कोई भी दिक्कत वाली चीज़ें नहीं डाल सकते, वो बर्दाश्त नहीं करती है इन सब चीज़ों को। आपका HTML जो है वो इस तरह के एरर्स को झेल जाएगा, आपका HTML इस तरह के एरर्स को झेल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट JS इस तरह के एरर से खेल जाएगा, यानी कि नहीं चलेगा। जैसे कि अभी मेरी एप्लीकेशन खेल गई थी लेकिन अब जो है चल गई है, लेकिन अगर आप HTML में गलतियां करते हो, JavaScript में भी थोड़ी बहुत गलतियां करते हो तो JavaScript भी झेल जाता है, जैसे सेमीकोलन वगैरह आप नहीं लगा रहे हो, या फिर आपने लेट अस से अपनी HTML के अंदर एक ओपनिंग टैग डाल दिया, क्लोजिंग नहीं डाला, तो आपका ब्राउज़र उसको हिसाब से पार्स कर लेता है। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम सटीक टैग्स डालने पड़ेंगे, आपको बहुत ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हंटिंग कोडर, ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर्स बाय हंटिंग कोडर, ये होम पेज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बाय द वे मैंने वो जो अभी डिव हटाया ना, आई एम चेंजिंग माई माइंड और मैं उसको वापस लेकर आ रहा हूँ। और आप भी कहोगे कि यार कभी हटा देते हो, कभी ले आते हो, मतलब क्या चाहते क्या हो यार। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया टेम्पलेट है, अगर हम यहाँ पर अपना टाइटल और यहाँ पर थोड़ा बहुत मेटा स्लग डाल दें, सॉरी मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दें, और यहाँ पर हम अपने ब्लॉग्स के नाम लिख दें, यानी कि जो हमारे पॉपुलर ब्लॉग्स होंगे अगर हम कुछ इस तरह से दिखाएं, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। और मैं एक चीज़ और करूँगा, styles.card, इसके स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ, तो अभी के लिए मैं इसको रखूँगा कुल मिला के, मे बी मैं फ्यूचर में चेंज करूँगा। ऑब्वियसली बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है, हंटिंग कोडर, ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर्स, बाय हंटिंग कोडर। ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ, बिना ज़्यादा CSS के बारे में वरी करे यहाँ पर CSS चेंज कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यार जो home.model.cs के अंदर मैं अगर कोई भी क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा तो वो यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगी। तो हाँ यार, काफ़ी बढ़िया शेप ले लिया है हमारे हंटिंग कोडर ब्लॉग ने। अब यहाँ पर इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा, आई होप कि सब लोग
लोग फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आप लोग फॉलो कर पा रहे हो तो यार नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दो कि यार हाँ मैं फॉलो कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और ये प्लेलिस्ट भी ज़रूर से एक्सेस कर लो यार, क्योंकि सारे वीडियोज़ इसी के अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ और कंटेंट वगैरह जो है वो यहाँ पर साइट पर आने वाला है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।